नमस्कार। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। सबसे पहले आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिए। वहाँ 3 डॉट ऊपर आपको दिख रहे होंगे, उसको टच करेंगे तो क्वालिटी आएगा, और क्वालिटी पे टच करेंगे तो आपको कई ऑप्शन आएंगे। 480p पे करके आप देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। नहीं भी दिखता तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैं कहना चाहती हूँ। अभिप्रेरणा आपका टॉपिक था जो बहुत डिमांड में है। लोग इतना डर रहे हैं कि जैसे कभी पढ़ा नहीं, जबकि हर जब भी मैंने टीचिंग पढ़ाया तो अभिप्रेरणा ज़रूर पढ़ा है। लेकिन यहाँ अगर शॉर्ट में हम देखेंगे कि क्या होता है, तो अभिप्रेरणा क्या है? जो आप लक्ष्य आधारित व्यवहार आपको कोई करवाना है तो उसके लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। एक ऐसा एक जैसे आपको पिंच करे कि नहीं आपको करना है करना है करना है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसे मोटिवेशन कहेंगे, जो हमें एक तरह से हमारे लिए पुनर्बलन का कार्य करे या उद्दीपक का कार्य करे या आपको लक्ष्य उन्मुख बनाए, आपको अभिप्रेरित करे। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये कितने प्रकार से होता है। तो मोटा मोटा ये 2 प्रकार से होता है, एक तो आंतरिक और दूसरा बाह्य। ठीक है, आंतरिक जो होता है वो आपका क्या होता है, संज्ञानात्मक होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सी अभिप्रेरणा होती है, जो संज्ञानात्मक होती है। अगर और इस पर ध्यान दें तो पिट्ज हेइदर ने कहा है कि इसको हम मतलब गुणवत्ता से भी रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी इंटरनल चीज़ें होती हैं, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव चीज़ें होती हैं, उसको उससे रिलेटेड हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर बंडूरा की बात करें तो आत्मबल इसको कह सकते हैं। ठीक है, रेयान व डेकी की बात करें तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन इसके अंतर्गत आता है। तो ये आपके आंतरिक चीज़ें, मतलब जो भी संज्ञानात्मक कॉग्निटिव आपके अभिप्रेरणा है, वह एक प्रकार होता है अभिप्रेरणा का, जो आपके अंदर होता है, भीतर आपके अंदर। बाह्य क्या होता है, बाह्य जो आपके बाहरी उत्प्रेरक होते हैं, जो बाहर से देख के आपको उत्प्रेरित करे। अति औचित्यता इसके अंतर्गत आती है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी अभिप्रेरणा होती है। और अगर बात करें कि ये प्रोसेस क्या होता है, तो 3 स्टेप में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। किसी चीज़ की आवश्यकता हो, कोई अंतर्नोद हो, या और उस पर प्रोत्साहन मिले, तो 3 स्टेप आपके होते हैं। तो जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, हम कोई कार्य नहीं करते, या हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए होती। अब ये आवश्यकता कैसी होगी, या तो जैविक होगी या मनोसामाजिक होगी। जैविक या मनोसामाजिक आवश्यकता होगी, जैसे भूख। ठीक है, दूसरा आपका जो चरण बोलेंगे अंतर्नोद, ये क्या आपके अंदर होता है, चालक होता है, ड्राइव होता है। जो आवश्यकता किस चीज़ की है वो ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन जितना चालक रहता है, मतलब मुख्य जो आपकी चीज़ें होती हैं अभिप्रेरणा में, वो चालक होती हैं। जैसे भोजन खोजना, जो आपके अंदर प्रणोद होता है। ठीक है, आवश्यकता आधारित व्यवहार होता है, वहीं आपका चालक है। तीसरा आपका जो पॉइंट है, प्रोत्साहन। जब हम किसी की आवश्यकता होती है, हमारे अंदर चालक होता है, जब हम वो चीज़ प्राप्त करते हैं तो हमें प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। जैसे भोजन, उद्दीपक जो अंतर्नोद को जागृत और संतुष्ट करता है। अब ये प्रोत्साहन अगर नहीं हो, भोजन नहीं हो, तो क्या बिल्ली जो है वो भोजन खोजती? तो जैसे भूख लगी, ये बिल्ली की आवश्यकता थी, भोजन खोजा उसने, वो अंतर्नोद था, और प्रोत्साहन जो भोजन था, अगर वो नहीं रहता तो क्या वो उतने अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाती, उतने अच्छे से पिंजरा खोलना नहीं सीख पाती। तो ये आपके 3 स्टेप होते हैं, मांग या आवश्यकता, अंतर्नोद, चालक या और प्रोत्साहन। अब हम बात करें कि इसके कितनी थ्योरीज आपको पढ़नी होती है, तो थ्योरीज तो बहुत सारी हैं। इसको 2 भागों में बांटेंगे, एक तो विषय वस्तु रिलेटेड, एक प्रोसेस, मतलब एक कंटेंट और प्रोसेस रिलेटेड प्रणाली। 2 प्रकार की आपकी थ्योरीज होती है। कंटेंट में आप मेस्लो पढ़े होंगे, ठीक है, अल्ज़ेफर्सबर्ग थ्योरी, हर्ज़बर्ग और मैकलैंड, ये सारे कंटेंट में आते हैं। विक्टर रूम की आपने थ्योरी सुनी होगी, एडम्स इक्विटी सुना होगा, गोल सेटिंग थ्योरी सुना होगा, और रिन्फोर्समेंट थ्योरी, ये सारी आपकी प्रोसेस में आती हैं। ऐसे मोटिवेशनल थ्योरीज जो उसके कंटेंट में होती हैं, उन्हें हम कंटेंट रिलेटेड थ्योरी कहते हैं। जैसे मेस्लो की, जैसे आपने उनके 5 स्टेप पढ़े थे, पहला आपका जो है जैविक आपकी आवश्यकताएं होती हैं, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी जो सुरक्षा संबंधी होती है, फिर समाज या प्रेम संबंधी होती है, फिर आत्मसम्मान, फिर आत्मविव्यक्ति। तो ये मेस्लो की थ्योरीज थी। उसी प्रकार इन सारी थ्योरीज की भी का भी हम अध्ययन करते हैं कि कैसे आवश्यकता किस प्रकार से हमारे अंदर अभिप्रेरणा
के रूप में इंटरचेंज हो जाती है, या किस प्रकार से हम अभिप्रेरित होते हैं, अभिप्रेरणा का क्या सिद्धांत है। अब बात करें अभिप्रेरणा होती कैसे, तो उसके लिए कोई अभिप्रेरक होना ज़रूरी होता है। कोई ना कोई ऐसा अभिप्रेरक होता है जिससे अभिप्रेरणा की उत्पत्ति होती है। वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ मोटे मोटे भागों में देखें तो एक तो जो जन्मजात होता है, दूसरा अर्जित होता है, फिर स्वाभाविक, कृत्रिम, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। अब यहाँ देखिए, जन्मजात जैसे जो जन्म से हो, जैसे भूख और निद्रा, ये आपके जन्मजात अभिप्रेरक कहे जाते हैं। अर्जित, जो आपने अर्जित किया हो जैसे प्रयास व अनुभव से, जैसे सामाजिक और रुचि वगैरह जो आपके होते हैं, प्रतिष्ठा होती है, ये सारी आपकी अर्जित होती है। स्वाभाविक में देखें तो आपका स्वभावगत प्रकृति, जैसे खेलना, सुख प्राप्त करना, ये सब स्वाभाविक। कृत्रिम में देखेंगे तो आपका जैसे कार्य व्यवहार नियंत्रण, वांछित दिशा में आपका स्वाभाविक अभिप्रेरणा के रूप में जानबूझ कर प्रयुक्त करना, मतलब ऐसा नहीं कि ज़रूरी है नेचुरली हो, वो आप करें, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, ये सारी कृत्रिम आपके अभिप्रेरक। जैविक अभिप्रेरक वो भी आपका देखें तो जो जैविक आवश्यकताएं, जैसे आपका क्रोध, भय, प्रेम, ये सारी चीज़ें। मनोवैज्ञानिक आपकी देखी जाए तो वो आवश्यकता, जैसे रचनात्मकता, जिज्ञासा, ये सारी चीज़ें होती हैं। सामाजिक जो अभिप्रेरक होते हैं उसमें सामाजिक मान्यताओं से रिलेटेड होते हैं, जो आदर्श, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, संग्रह, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर दो मुख्य भागों में इन अभिप्रेरकों को बांटे तो प्राथमिक अभिप्रेरक होते हैं एक, और दूसरे द्वितीयक अभिप्रेरक होते हैं। प्राथमिक अभिप्रेरक वो अभिप्रेरक होते हैं जो दैहिक या मूलभूत आवश्यकताओं से रिलेटेड होते हैं, जैसे भूख, प्यास या यौन आपके जो रिलेटेड होते हैं, वो सारी प्राथमिक अभिप्रेरक होते हैं। दूसरा द्वितीयक, या इसको मनोवैज्ञानिक व सामाजिक भी कह सकते हैं, इसमें क्या होते हैं, प्रतिष्ठा, जिज्ञासा, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये आपके मुख्य अभिप्रेरकों के प्रकार है और ये मुख्य आपके अभिप्रेरणा के सिद्धांत है। अब एक एक सिद्धांत आपको पढ़ना होगा, अगर आपको बहुत डीपली स्टडी करनी है तो आप फिर स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं। मछलों का तो बहुत ही नॉर्मल सा सिद्धांत, बहुत ज़्यादा जगह दिख जाता है इसलिए हमें याद होता है, बाकी सारे थोड़े डर लगता है, वैसे है कुछ नहीं। जैसे अगर हम बात करें इन सिद्धांतों की, तो जैसे हर्ज़बर्ग की बात करें, आप इसमें देख लीजिए, हर्ज़बर्ग के सिद्धांत की बात करें तो उसमें आपका इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, मतलब आंतरिक और बाह्य करके दो उन्होंने पोर्शन किए थे, उसमें उन्होंने अभिप्रेरणा की बात कही थी। इसको हाइजीन रिलेटेड भी कहते हैं, ठीक है। और अगर जैसे मैकलैन का आपको थ्योरी देखें, अगर मैकलैन की थ्योरी की बात करेंगे तो इसको नीड थ्योरी भी बोलते हैं, आवश्यकता। तो इन्होंने मुख्य तीन भागों में नीड को बांटा है, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर और नीड ऑफ अफिलिएशन। तो इसमें आप अगर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत डीप हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। विक्टर व्रूम की अगर बात करें तो इसके सिद्धांत को प्रत्याशा का सिद्धांत कहते हैं। प्रत्याशा मतलब क्या, हमारी क्या प्रत्याशाएं हैं, इससे रिलेटेड इनका सिद्धांत है। जैसे आत्मसंयम को कब लागू करें, या व्यक्ति ही तय करेगा, ये उसकी प्रत्याशा होती है। तो कब मैक्सिमम प्लेजर है, कब मिनिमम, क्या हम ऐसा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले और कम से कम दुख मिले, तो ये आपकी प्रत्याशा होती है। और जो परफॉर्मेंस होती है वो पर्सनालिटी, आपके कौशल, आपके ज्ञान और आपके एक्सपीरियंस और योग्यता पर निर्भर करती है। ये अगर सिद्धांत बात की जाए तो ये सारी चीज़ें विक्टर व्रूम के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। अब अगर एडम्स की बात की जाए तो इसमें दो आपके प्रोसेस होते हैं, एक तो इनपुट, दूसरा आउटपुट। अब कहेंगे ये तो कंप्यूटर पढ़ाने लगी, ऐसा नहीं है, इनको इनपुट करते हैं तो आउटपुट मिलता है। एफर्ट, लॉयल्टी, हार्डवर्क, कमिटमेंट, स्किल, एबिलिटी, ये सारे इनपुट होते हैं। हम एफर्ट करते हैं, लॉयल्टी दिखाते हैं, हार्डवर्क करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, स्किल कौशल दिखाते हैं, एबिलिटी हमारे अंदर होती है, अडाप्टिबिलिटी, किसी चीज़ को अडाप्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई। अब इसके फलस्वरूप जो मिलता है आपका आउटपुट, वो आपका जैसे रेपुटेशन मिलता है, फाइनेंशियल आपको सपोर्ट मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तारीफें होती हैं, उद्दीपक मिलता है, मतलब ग्रोथ होता है, सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एडम्स की इक्विटी, इक्विटी मतलब समता, जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतना दिया जाए, तो जैसा आप इनपुट करेंगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा, तो इस प्रकार से इक्विटी आपकी होती है। अगर इनकी सेंटेंस की बात करें तो हायर इंडिविजुअल आपकी जो परसेप्शन ऑफ इक्विटी होती है वही मोटिवेटेड करती है आपको। ये आपके सिद्धांत होते हैं बात की जाए तो
अभिप्रेरणा के और भी है, गोल सेटिंग थ्योरी है तो लोक ने इसको दिया हुआ है। तो गोल सेटिंग थ्योरी भी अच्छी थ्योरी है। गोल सेटिंग थ्योरी में इन्होंने टास्क परफॉर्मेंस को ज़्यादा महत्व दिया है, तो वो सारी चीज़ें इनके अंतर्गत आते हैं। बहुत डीप नहीं जाना है हमको। रिइंफोर्समेंट में अगर आप बात करें तो आपके बीएफ स्किनर, ये रिइंफोर्समेंट पनिशमेंट और ये सारी चीज़ें जो उन्होंने कही थी, बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत था उसको, उससे रिलेटेड है। अब इसमें हल को मत लाइएगा। यहाँ पर रिइंफोर्समेंट अभिप्रेरणा में बीएफ स्किनर को हम पढ़ते हैं। यही से सारी चीज़ें हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट तो हैं, लेकिन अगर हम समझते हैं किसी चीज़ को तो हम उससे रिलेटेड प्रश्न कर लेते हैं। अब इसमें डायरेक्टली नहीं, व्यवहारिक प्रश्न ज़्यादा आते हैं, और व्यवहारिक प्रश्नों को करने के लिए आप अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, जैसे आपने पढ़ाया होगा जब कक्षा में, अगर आप प्रैक्टिस करने जब जाते हैं टीचिंग की, तो आपने वो चीज़ें जो फील की होंगी, आप वही चीज़ें बच्चे को ध्यान में रख के करेंगे तो आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे।